Hello everyone. Today I am going to teach you grammars, chapter number 1, the sentences. If you like this video, then do this video a thumbs up and subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get all my videos notification and share this video with your friends and family. Now let's get started. In this chapter, first of all, I will be defining you sentences and telling you about their types. So let's get started. What is sentence? Sentence kya hota hai? A group of words that makes complete sense is called sentence. Ek aisa group of words jo complete sense banata ho, usse hum kya bolte hain? Sentence bolte hain. Sentence always starts with a capital letter. Sentence always starts with a capital letter and ends with full stop. It has words arranged in the right order to convey the meaning. It has words arranged in the right order to convey the meaning. So, एक ऐसा word जो complete sense बनाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? Sentence बोलते हैं. Sentence हमेशा क्या होता है? Capital letter से start होता है और end करता है किससे? Full stop से. देखो, इसमें क्या बोला है? Capital letter से start होता है और end किससे होता है? Full stop से. नेक्स्ट होता है जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है कि वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं जंबल सेंटेंसेस नहीं होते इसमें जंबल वर्ड्स नहीं होते अब हम सेंटेंसेस को समझने के लिए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे को सेंटेंसेस क्या हो जाता है प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे अब देखो पहला सेंटेंस है दिस डॉग हैज अ लॉन्ग टेल जो ये कुत्ता है उसकी पूंछ क्या है लंबी है अब जो ये सेंटेंस है वो क्या है कंप्लीट सेंस बना रहा है और एक कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है हमें और इसमें हम देख सकते हैं कि सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो क्या है कैपिटल है और इसके एंड में क्या है फुल स्टॉप है प्लस एक चीज और होती है सेंटेंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन कॉमा का फुल स्टॉप का या फिर कोई और साइन इंक्लूड किया जाता है अब जो हमारा पहला जो एग्जांपल है इसमें क्या है दिस डॉग हैज अ लॉन्ग टेल ये क्या है कंप्लीट सेंस बना रहा है और कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो ये भी बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कुत्ता है इसकी क्या है लंबी पूंछ है क्या है लंबी पूंछ है अगर मैं इस इस सेंटेंस में से लॉन्ग टेल वर्ड अलग कर लूं तो क्या ये जो वर्ड है प्रॉपर सेंस बना रहा है नहीं प्रॉपर सेंस तो नहीं बना रहा क्योंकि लॉन्ग टेल तो किसी की भी हो सकती है लाइक कुत्ते की है आप लोग ये कह सकते हो हॉर्स की है बिल्ली की है तो किसी की भी हो सकती है बट जहां पे अब इसने क्या है वर्ड्स को स्पेसिफाई करा है मीनिंग जो स्पेसिफाई करा है इस तरह से किया है दिस डॉग हैज अ लॉन्ग टेल नेक्स्ट हम मूव करते हैं द क्राउड इज वेरी लार्ज अब इसमें क्राउड के बारे में बता रखा है नेक्स्ट सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस है मीनिंग प्रोवाइड कर रखा है कि जो ये क्राउड है बहुत ज्यादा ही बड़ा है काउ गिव अस मिल्क थर्ड सेंटेंस में क्या है हमारे को काउ की विशेषता बता रखी है काउ का काम क्या है और काउ क्या करती है काउ क्या करती है हमारे को मिल्क प्रोवाइड करती है नेक्स्ट सेंटेंस है वी ऑल लव ऑनेस्टी क्या है एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और सेंस बना रहा है किसी चीज के लिए और ये बता रहा है कि हम सब लोगों को क्या है सच बोलना या फिर सच बोलने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं तो चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट है इन सेंटेंसेस को क्लियरली और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हमने कुछ इमेजेस का यूज किया है तो जो पहली इमेज है उसमें क्या है कोई आदमी है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसमें मैंने आदमी को देखकर एक मेरे माइंड में सेंटेंस आया माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर क्या सेंटेंस आया मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या है कैपिटल है ना और एंड में क्या है इस सेंटेंस के फुल स्टॉप आ रहा है नेक्स्ट है एक गर्ल है उसके हाथ में क्या है एक पेन है और एक कॉपी है तो मेरे माइंड में एक सेंटेंस और जल्दी से आया
कि अ गर्ल इज राइटिंग नीटली, एक लड़की है उसके बारे में बता रखे, उसकी हैंड राइटिंग के बारे में बता रखे कि वो कितना सुंदर लिखती है या फिर वो कितना सुंदर लिख रही है. नेक्स्ट सेंटेंस है रश्मि इज ईटिंग आइसक्रीम. अब सेंटेंस ये आता है कि एक ये लड़की है, मैंने उसके हाथ में देखा कि आइसक्रीम है, तो मैंने उसके ऊपर फटाक से सेंटेंस बना दिया कि लड़की का नाम रश्मि है और वो आइसक्रीम खा रही है. रश्मि इज ईटिंग आइसक्रीम. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं, सेंटेंसेस के चार टाइप्स होते हैं. पहला टाइप होता है ये, देखो पहला टाइप क्या है, एसर्टिव सेंटेंस. दूसरा क्या है, इंटरोगेटिव. तीसरा इंपेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी. तो चलिए अब हम इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं. जो सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट, एसर्टिव. एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. एसर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. प्लस एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट बनाते हैं प्लस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे को प्रोमिसेस भी, प्रोमिसेस जो किए जाते हैं उनको भी शो करते हैं. एसर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. तो चलिए अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम क्विकली क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि पॉजिटिव कैसे होते हैं और नेगेटिव कैसे होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का, विशाली लाइक्स आइसक्रीम. इसमें क्या है, विशाली की मतलब दर्शा रखा है कि विशाली को क्या चीज़ पसंद है, विशाली को आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद है. तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि विशाली की पॉजिटिव बात के बारे में बता रखा है इसमें. नेक्स्ट है सैम हैज़ डन हिज होमवर्क. अब क्या है इसके, इसमें क्या है, सैम के बारे में बता रहा है कि सैम जो है उसने अपना होमवर्क कर लिया है. तो ये क्या हुआ, सैम की विशेषता, उसके अच्छी बात है कि हाँ उसने अपना काम जल्दी से कर लिया. ये तो हो गए हमारे दो पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल. अब हम यहाँ पे करते हैं दो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल. रवि विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. रवि आज स्कूल नहीं जाएगा. दूसरा है आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट. मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं. तो अब क्या होता है, जिन वर्ड्स में, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं. इन द पॉजिटिव सेंटेंस देयर इज नो यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स. जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता. ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में. और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. और इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. और जो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं सेंटेंस जो इंक्लूड करते हैं नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डस नॉट या हैव नॉट. इन जो सेंटेंस डू नॉट, डिड नॉट, डस नॉट, हैव नॉट, नो वर्ड्स इंक्लूड करते हैं, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे को एक नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी की नेगेटिव चीज को शो करते हैं. तो और जो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया है कि ऊपर अंडरलाइन करके कि लाइक जो पहला एग्जांपल हमारा क्या था इसका, रवि विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. रवि जो है स्कूल नहीं जाएगा. तो ये क्या है, रवि की एक गलत बात के बारे में दर्शाया गया है कि रवि आज स्कूल नहीं जाएगा. तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे.
इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बेसिकली वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है कि इसमें ना किसी से क्वेश्चन पुटअप किया गया होगा या फिर किसी क्वेश्चन का रिप्लाई दिया गया होगा इसमें, और तो कुछ भी नहीं. अब क्या है, अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन. एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कई बार हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है. जैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इज एम आर वॉज वर, इन सब से भी क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो सकता है. और प्लस एक चीज और है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो डब्ल्यू एच फैमिली से भी स्टार्ट होता है. जो डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनसे भी क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है. सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स देखते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली में होते कौन कौन है. लाइक वॉट हैपेंड, विच वाई वेन वेयर हु हाई हु सॉरी नॉट हाई हाउ. अब वॉट हैपेंड मतलब क्या हुआ, वेन डिड इट हैपन कि कब हुआ, और क्यों वाई इट हैपेंड क्यों हुआ, वेयर मतलब जगह पे, और दूसरा इसमें लास्ट है कि किसने किया. नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. किससे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क के साइन से. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसी को पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने अभी तो उससे पूछा कि कहाँ रहते हो तुम, हिंदी में पूछा. अब मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैं उससे क्या पूछूंगी, वेयर डू यू लिव. और हमेशा एक चीज माइंड में रखना, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करते हो तो हमेशा उसके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना, क्योंकि हमारे ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसी के पीछे क्या होता है, हमारे मार्क्स वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है. जैसे फुल स्टॉप का साइन कहाँ लगना है, एक्सक्लेमेशन का साइन कहाँ लगना है, कॉमा कहाँ पे देना है, लाइक इंटरोगेशन कहाँ पे आनी है, फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस, इन सब चीज़ों का क्या है बेसिकली हमारे को ध्यान देना चाहिए. प्लस अगर हम लोग इंग्लिश में किसी को ओरल टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो ओरल टेस्ट में हमारे को तो ये लगता है कि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ हमारी बात सुन रहा है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो एग्जामिनर है वो हमारे मेन मेन पॉइंट्स नोट कर रहा है कि हमने जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो कहाँ पे पॉज दे रहे हैं, कहाँ पे हम फ्लुएंट हो रहे हैं, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है हमारा एग्जामिनर नोट कर रहा होता है. तो हमें जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं या फिर ओरल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर ओरल टेस्ट देने जा रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर इन इस वर्ड के बाद कॉमा है तो हमारे को वहाँ पर थोड़ा सा पॉज देना है, एक्सक्लेमेशन साइन है तो भी क्या है हमारे को थोड़ा सा पॉज देना है. अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो थोड़ा लाइक सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे को लंबा पॉज देना होता है दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए. तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के. पहला एग्जांपल है लाइक वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम. मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो तुम, वेयर डू यू लिव, तो उसमें क्या उसने क्या बोला, आई लिव इन गुड़गांव. मैंने तो उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने क्या किया, लास्ट में इंटरोगेशन का साइन लगा दिया. किस चीज़ का साइन लगा दिया मैंने लास्ट में, इंटरोगेशन का. नेक्स्ट है व्हाई वर यू लेट यस्टरडे, तुम कल लेट क्यों थे, तुम कल लेट क्यों थे. तो इसमें मैं क्या इसमें क्या है, मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया. व्हाट हैव यू सेड टू हर, व्हाट Have you said to her? तुमने उसको क्या कहा. Why did you say such things? Why did you say such things? तुमने ऐसी चीजें क्यों बोली. तो मैंने अब देखो अब हमने जितने भी फोर एग्जाम्पल्स देखे इसमें मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से किसी ना किसी से किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे जो कि क्या है हमारा इम्पैरेटिव सेंटेंस. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट जो कि क्या है इम्पैरेटिव सेंटेंस का.
बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी की कमांड को, किसी की रिक्वेस्ट को, किसी के ऑर्डर को, एडवाइस को, या फिर किसी की डायरेक्शंस को. तो फटाफट क्विकली हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं फटाफट से. लाइक शट द डोर, पहला एग्जाम्पल क्या है, शट द डोर. अब जो ये एग्जाम्पल है शट द डोर, इसमें क्या है, कमांड को शो किया जा रहा है. मैंने किसी स्टूडेंट से बोला कि शट द डोर, या फिर कोई आर्मी का पर्सन है या फिर आर्मी का मेजर है, जर्नल है, तो वो अपने असिस्टेंट्स को या फिर अपने जो कुलीग्स वगैरह हैं या फिर जो उससे लोअर पोस्ट पे जो काम करते हैं या फिर जो ट्रेनीज होते हैं उनसे वो बोलता है कि शट द डोर. तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है. नेक्स्ट हमारा है टेक एन अम्ब्रेला विद यू. टेक एन अम्ब्रेला विद यू, इस पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन को टोटली क्या है, एक एडवाइस दे रहा है, उसे बोल रहा है कि तुम अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाओ. गेट माई फोन प्लीज. अब देखो जो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड एग्जाम्पल है गेट माई फोन, इसके बाद क्या है, कॉमा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पोज दिया और फिर बोला प्लीज. तो अब इसमें क्या है, रिक्वेस्ट आ गई कि प्लीज तुम मेरा फोन ला दो, प्लीज तुम मेरा फोन ला दो. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे गॉड शॉवर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू. भगवान तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा करे. मतलब इसमें क्या है, किसी ने किसी के लिए भगवान से विश मांगी है, विश करी है कि भगवान हमेशा तुम अपनी कृपा या दया दृष्टि तुम पर बनाए रखे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे सेंटेंसेस के, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी की फीलिंग को, सोरो को, जॉय को, हैप्पीनेस को दर्शाता है. जो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो और सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के लिए हम थोड़ा सा क्या है उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. प्लस एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें किस चीज का यूज होता है, इस साइन का, किसका, एक्सक्लेमेशन के साइन का. तो जो ये एक्सक्लेमेशन का जो ये साइन होता है, ये साइन जब हम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये साइन क्या है, उसके पीछे यूज होता है. अगर हम एक्सक्लेमेशन में कोई लाइक इम्पॉर्टेंट या फिर कोई अच्छे वर्ड्स यूज करें लाइक ब्रावो, हुर्रा, अल्हाज या फिर इस तरह के जैसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो इन वर्ड्स की तुरंत बाद ही क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाता है. तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं. पहला है व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, इसमें क्या है, मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं. किसके बारे में, किससे रिलेटेड, वेदर के रिलेटेड. तो इसमें क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें मैंने क्या है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन जोड़ दिया. व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तो एक दूसरा सेंटेंस है व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तो इसमें मैंने क्या किया, एक बॉय के बारे में फीलिंग एक्सप्रेस करी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, प्लस इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में लिखा. तो सिंपल सेंटेंस में लिखा तो मेरा जो एक्सक्लेमेशन का जो साइन है वो क्या हुआ, लास्ट में आया. थर्ड सेंटेंस है, थर्ड एग्जाम्पल है ब्रावो, दे हैव क्लाइंड, ब्रावो दे हैव क्लाइंड. अब देखो ब्रावो के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा पोज दिया और क्या बोला, दे हैव क्लाइंब. खुशी की बात यह है कि उन्होंने क्लाइंबिंग कर ली, ठीक है. हुर्रा, हुर्रा पोज देना है, देन बोलना है वी हैव वॉन द सीरीज, वी हैव वॉन द सीरीज. अब क्या है, हुर्रा, खुशी की बात है, झूम उठने की बात है कि टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली, यानी हमने सीरीज जीत ली. नेक्स्ट आता है व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम,
सिंपल सेंटेंस है तो इसमें क्या हुआ, हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन लास्ट में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की एक्सरसाइज। तो पहला जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो क्या है, हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या है रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और किस में कमांड दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एक्सरसाइज से, पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज, इस सेंटेंस के एंड में हमारे को एक्सक्लेमेशन का साइन दे रखा है। किस चीज का साइन दे रखा है, एक्सक्लेमेशन का साइन। तो इससे हम क्या समझे कि ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम। इसमें क्या है, लास्ट में हमारे से क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन पुटअप किया गया। तो जो सेंटेंस क्वेश्चंस पुटअप करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आई हेट गोइंग टू द मार्केट, आई हेट गोइंग टू द मार्केट क्या है, हमारा एक सिंपल सेंटेंस है और क्या है स्टेटमेंट शो कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में शो कर रहा है कि ये पर्सन को मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसकी स्टेटमेंट को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आता है शट द डोर, शट द डोर क्या है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे को कमांड दे रखी है, क्या दे रखी है, कमांड। इस वाले सेंटेंस में क्या है, कमांड दे रखी है। कमांड है तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। जो सेंटेंस किसी की कमांड को, ऑर्डर को या किसी की विश को रिफ्लेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आई विल नॉट गो देयर अगेन। अब जो देखो इस सेंटेंस में क्या है, आई विल नॉट आया है, हमने पहले ही बताया था जिस सेंटेंस में विल नॉट, डू नॉट, डिड नॉट या नो फॉर्म लग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेंटेंसेस की सेकंड एक्सरसाइज पे। सेंटेंसेस की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमारे को उसको क्या है क्वेश्चन फॉर्म में और एक्सक्लेमेशन फॉर्म में चेंज करना है। पहला है हमारा इट इज रेनिंग वेरी हार्ड, इट इज रेनिंग वेरी हार्ड। तो सबसे पहले हमने इसे किस में चेंज किया, एक्सक्लेमेशन में, तो हाउ हार्ड इट इज रेनिंग, तो मैंने किसको क्या बोला, हाउ हार्ड इट इज रेनिंग। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पुटअप करना है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं, तो इसमें इस क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस जो हेल्पिंग वर्ब था उसे हम फ्रंट में ले आए, यानी सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आए, तो वो क्या हो गया, इज इट रेनिंग वेरी हार्ड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सच में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट आता है रीमा डांस्ड ब्यूटिफुली। अब देखिए जो ये सेंटेंस है उस इसमें क्या है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी यहाँ पे वर्ब की, डांस की सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड। तो अब क्या है इसमें सेकंड फॉर्म को हटाना है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और डू की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो यहां पे आ जाएगा डिड रीमा डांस सो ब्यूटिफुली। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या सच में रीमा अच्छे से डांस करती है या अच्छा डांस करती है। नेक्स्ट सिंपल एक एक्सक्लेमेशन और सिंपल फॉर्म में स्टेटमेंट और सिंपल फॉर्म में पूछा गया, बोला गया है हाउ ब्यूटिफुल, या फीलिंग एक्सप्रेस की गई है कि हाउ ब्यूटिफुल रीमा डांस्ड, कितना सुंदर डांस करती है रीमा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेंटेंसेस की लास्ट एक्सरसाइज पे, जिसमें क्या है कि हमारे को कुछ जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उन जंबल वर्ड्स को
प्रॉपरली अरेंज करना है और उनका क्या है मीनिंगफुल सेंटेंस और सेंस दोनों बनाना है. ईट मैंगो लव आई टू स्वीट. वर्ड्स क्या है? ईट मैंगोज लव आई टू स्वीट. इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में और मीनिंगफुल सेंस में. आई लव टू ईट स्वीट मैंगोज. आई लव टू ईट स्वीट मैंगोज. आप इसके लिए कुछ और भी सेंटेंस दे सकते हैं, ये नहीं कि जो आपको यही सेम सेंटेंसेस लेने हैं. नेक्स्ट आता है टीम कैप्टन द हाईली ऑफ वॉज द इंटेलिजेंट. टीम कैप्टन द हाईली ऑफ वॉज द इंटेलिजेंट. इसमें क्या है? वर्ड्स तो है बट क्या है प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा है इन वर्ड्स का. तो हम अब इन वर्ड्स को क्या है अरेंज करेंगे ताकि इनका प्रॉपर मीनिंग बन जाए. द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज हाईली इंटेलिजेंट. द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज हाईली इंटेलिजेंट. इसमें क्या आएगा? अब देखो इनमें क्या किया कि वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया ताकि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस और सेंस दोनों बन जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.